हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना मीन वैल्यू थ्योरम का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लास्ट थ्योरम है लग्रांजेस रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, या कहने का मतलब है टेलर थ्योरम आज हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2012 और 2016 और 2007 में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। आज हमारा लग्रांजेस रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय जो है वो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12 है, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा, और सेकेंड यूनिट के साथ ही हम अपना हायर कैलकुलस वाली जो बुक है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है स्टूडेंट्स, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और आज हम इसमें जो देखेंगे वो है लग्रांजेस रूप का शेषफल वाला टेलर थ्योरम। ये आज हमारा लग्रांजेस रूप का शेषफल या टेलर थ्योरम विद लग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर थ्योरम विद लग्रांजेस थ्योरम ऑफ रिमाइंडर, कहने का मतलब है शेषफल वाला टेलर प्रमेय, लग्रांजेस प्रमेय का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, लग्रांजेस रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, लग्रांजेस रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारा थ्योरम लास्ट थ्योरम है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स वो किस इंटरवल के लिए, ए और ए प्लस एच इंटरवल के लिए है, कि कोई भी फंक्शन दिया गया एफ वो ए और ए प्लस एच में परिभाषित है, तब फर्स्ट कंडीशन है एफ रेस टू द पावर एन माइनस वन तक जितने भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, और एफ एन एग्जिस्ट है ओपन इंटरवल में, तब एक धनात्मक मान जो थीटा 0 1 के मध्य से इस प्रकार बिलोंग करेगा। इधर लिख रही हूँ स्टूडेंट्स ये वाला मान है थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के आधार पर ही हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसने कहा यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एन ए प्लस एच में क्या है, परिभाषित है, ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषित है, फर्स्ट कंडीशन है टेलर थ्योरम है, तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी फर्स्ट, इसने कहा है एफ एन माइनस वन इज कंटिन्यूस, एक फंक्शन की सीरीज है स्टूडेंट्स एन तक फलन की क्या है, एक सीरीज है हमारे पास एन तक फंक्शन की एक सीरीज है, तो एन माइनस वन है वो कंटिन्यूस है किस में, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में, फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन इसने बोला है कि एफ एन इज एग्जिस्ट विद्यमान है इस इंटरवल में, एनवा फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में, इस इंटरवल ए और ए प्लस एच में क्या है, इन इज एग्जिस्ट इन एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट एक थीटा बिलोंग करेगा 0 और 1 के मध्य से इस प्रकार कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस ऑन, यहाँ से लेके स्टूडेंट्स आगे है एच रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है प्लस एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये है स्टूडेंट्स हमारा टेलर प्रमेय।
ठीक है स्टूडेंट्स, टेलर थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ये देखिए स्टूडेंट्स। इस सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए आप, हमने लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड फॉर्म पढ़ा है, वो क्या था हमारा इस इंटरवल के लिए था, और उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या मानना था, सेकंड फॉर्म था हमारा इस इंटरवल के लिए, या लग्रांजस प्रमेय को हमने सिद्ध करने के लिए वहाँ पे एक अलग फंक्शन मानना था फाई एक्स, रोल्स प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमने कुछ नहीं मानना था, वो तो अपनी कंडीशंस के आधार पर हो गया था, परंतु कोशी मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमने प्रूव किया था, वहाँ पे भी क्या करना पड़ा था स्टूडेंट्स, हमें एक फंक्शन मानना पड़ा था, और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है अगर आप उसको भी प्रूव करोगे तो आपको वहाँ पर भी एक फंक्शन मानना पड़ता है। तो ये हमारा लग्रांजस रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, तो लग्रांजस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें फंक्शन मानना पड़ा था, तो यहाँ पे भी हमें क्या मानना पड़ेगा, एक फलन मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में परिभाषित है, तब एन माइनस वन, ये डेरीवेटिव की सीरीज है एन माइनस वन तक, डेरीवेटिव का साइन एफ डबल एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश, एफ एन माइनस वन जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, एफ एन जो है वो एग्जिस्ट है इस इंटरवल में, तब एक मान थीटा बिलोंग करता है कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, सोन एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोर एच एन माइनस वन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच रेस टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन मानना पड़ेगा, और ये फलन आपको याद ही रखना पड़ेगा कि फलन जो है वो एक सीरीज के रूप का ही हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, एक फंक्शन मानेंगे, कि मानना फलन फाई एक्स है वो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ पे मैं पहले फलन लिख रही हूँ कि मानना फाई जो है वो निम्न प्रकार परिभाषित है, प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या मान लेंगे, मानना फलन फाई एक्स, मानना फाई एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट, निम्न प्रकार परिभाषित अर्थात फाई एक्स इक्वल टू, याद ही रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस आगे वाला ए प्लस एच माइनस एक्स की होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, एक सीरीज के रूप का फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स है, अब एन माइनस वन जाएंगे दो, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वेयर है, एच है, फिर एन माइनस वन तक, तो ऐसे एन माइनस वन तक, सोन क्या आएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट वाला जो लेंगे एन वाला वो क्या मानेंगे, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इन टू ए, ये मानना पड़ेगा हमें फलन, याद ही रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फंक्शन क्या है फलन हमारा, फाई एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स सॉन ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर, मतलब कुछ इस रूप का ही फंक्शन है, एन माइनस एन टर्म है हमारे पास, बस यहाँ पे जो है ना एच रेस्ट टू दी पावर एन, इसकी जगह ये वाला मान हमारे ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और यहाँ पे हमने रखा ए, तो यहाँ पे इसी रूप का फंक्शन मानते हैं तीनों चारों जो भी हमने थ्योरम प्रूव किए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण एक में अचर राशि इस प्रकार है कि, यही कंडीशन हर जगह मानते हैं, समीकरण ए में अचर राशि ए इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि दोनों पॉइंटों पे जो फंक्शन का मान है वो बराबर है कि फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ ए प्लस एच, ये कंडीशन हमें माननी पड़ेगी स्टूडेंट्स इस फंक्शन के साथ ही, जैसे हमने थ्योरम लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में माननी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाई ऑफ ए फाइंड करेंगे, फाई ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाई ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, Q
क्योंकि फाई ऑफ ए प्लस एच, देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है, फंक्शन है हमारा ये वाला, तो फाई ऑफ ए प्लस एच तो इधर आएगा हमारे पास एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच रखते जाना है तो इधर ए प्लस एच रखेंगे, प्लस ए प्लस एच पहले है स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव ए प्लस एच रखेंगे कट जाएगा जीरो हो गया, इधर रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ऐसे ऐसे सभी टर्म में ए प्लस एच है माइनस एक्स है तो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी जीरो, तो इसका मतलब फाइ ऑफ ए प्लस एच का जो मान है वो आएगा एफ ए प्लस एच, इक्वेशन नंबर आ गई हमारी ये थ्री। अब फाइंड मान करेंगे क्योंकि फाइ ऑफ ए, फाई ऑफ ए का मतलब है कि एक्स की जगह ए रखना है तो पूरा का पूरा ये वाला ही मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ ए, सीधा रखेंगे देखो एफ ऑफ ए प्लस एक्स की जगह ए रखना है तो ए से ए कैंसिल एच बचा तो एच एफ डैश ए, ठीक है स्टूडेंट्स क्या बचा एच एफ डैश ए, एक्स की जगह ए रखना है तो प्लस एच एफ डैश ए, आगे फिर एक्स की जगह ए रखना है कैंसिल ए से एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, आगे वाली टर्म बची हमारे पास एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, सोन कहाँ तक जाएंगे एन माइनस, इधर ए रखा एक्स की जगह ये ए से कैंसिल एच रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ एन माइनस वन ए, प्लस आया हमारे पास इधर ए ये ए से कैंसिल एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस ए, समीकरण नंबर आ गई हमारे पास चार, समीकरण तीन और चार का मान समीकरण दो में पुट कर लें तो यहाँ से हमारे पास एक एफ ए प्लस ए एच के रूप की ये सीरीज बन जाएगी, ये पूरी सीरीज बन जाएगी, बस यहाँ पे ये ए आया हमारे पास, बस वो ए का मान हमें क्या करना है फाइंड करके रखना है जैसा हमने लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में किया है, ठीक है स्टूडेंट, बस कुछ उसी रूप का है स्टूडेंट्स ये जिस रूप का हमने लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया है और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया है, तो समीकरण तीन और चार का मान कहाँ रख लेंगे, समीकरण तीन तथा चार का मान एक में रखने पर, एक में रखेंगे स्टूडेंट्स तो एक में रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से समीकरण तीन और चार का मान हम रख लेंगे एक में, ट्वेल्थ लेक्चर है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ रखेंगे समीकरण तीन तथा चार का मान दो में रखने पर, दो में रखने पर दो है ये वाला, फाइ ऑफ ए का मान बड़ा सारा है, फाइ ऑफ ए प्लस एच का मान है एफ ए प्लस एच, तो इस रूप की इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ ए ए प्लस एच इक्वल टू ये पूरा मान एफ ऑफ ए बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, ठीक है स्टूडेंट्स एफ डबल डैश ए प्लस सोन इधर आएगा एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, एफ एन माइनस वन ए प्लस लास्ट में है हमारा एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू ए, समीकरण नंबर है पाँच, ये समीकरण, अब समीकरण पाँच में हमें ए का मान रखना है और ए का मान किस आधार पे आएगा, फंक्शन के आधार पे आएगा हमारे पास ए का मान, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शंस के आधार पर ए का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फलन फाई जो है वो ये वाला स्टूडेंट्स पूरा है स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले फाई एक्स को देखेंगे, फाई एक्स के ऊपर जैसा हमने लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम, हमने कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में रोल्स पर में स्थापित किया था, वैसे यहाँ पे भी रोल्स पर में क्या करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो फलन फाई एक्स को देखेंगे, फाई एक्स हमारा ये वाला है स्टूडेंट्स ये फाई डैश एक्स भी हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फाई एक्स है ये वाला, फाई एक्स जो है ये फंक्शन है हमारा फलन के लिए, इसने बोला है कि इसमें डिफाइन है तो फंक्शन फाई एक्स जो है एफ एक्स जो है वो परिभाषित है इस इंटरवल में, इसका मतलब ये एक सतत होगा और अवकलनीय, और ये क्या डेरिवेटिव जो है वो सारे इसमें कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स और nth डेरिवेटिव वो इसमें क्या है एग्जिस्ट है, तो सीधा लिख सकते हैं कि फाई एक्स जो है वो क्या है, फाई एक्स सतत तथा अवकलनीय फलनों का क्या है एक बीजगणित है स्टूडेंट्स, सतत और अवकलनीय फलनों का, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है,
इसका मतलब सतत और अवकलन ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि फलन फाई एक्स सतत तथा अवकलनीय फलनों का बीजगणित है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीजगणित ये लाइन लिख सकते हैं हम इस आधार पर, बस ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस ये हम कह सकते हैं इस फंक्शन के आधार पर। अब फाई डैश एक्स फाइंड करें, फाई डैश एक्स डेरिवेटिव करना है फाई एक्स का, तो पहला एफ डैश एक्स आ जाएगा, पहला आया हमारा एफ डैश एक्स प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा, क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो यू इंटू वी से करना पड़ेगा। तो पहले को एज इट इज़ रख लेंगे, पहला एज इट इज़ दूसरे का करेंगे, पहला आया हमारा ए प्लस एच माइनस एक्स, पहला एज इट इज़ दूसरे का करेंगे एफ डबल डैश एक्स। अब पहले का करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, पहले का ये कॉन्स्टेंट है जीरो, इसका आया माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ये एज इट इज़ इसका करेंगे माइनस वन, तो ये आया माइनस का एफ डैश एक्स प्लस। ठीक है, हो गया इसका, सिमिलरली इसका हो गया। अब इसका करेंगे, पहला एज इट इज़ ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एज इट इज़ इसका करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज़ रखा, इसका कर दिया, अब इसका करेंगे, इसको एज इट इज़ इसका करेंगे, तो ये आएगा टू बार आ जाएगा, तो ये आएगा टू ए प्लस एच माइनस एक्स की इसका करेंगे, तो ये आएगा टू बार ए प्लस एच माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू, टू होता है टू इंटू वन, तो इसका करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इसका फिर होगा हमारे पास, तो इसका मान आएगा माइनस का साइन बार, ये आएगा टू से टू कैंसिल हो जाइए, बचेगा ए प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। सोन ऐसे ही करते जाएंगे स्टूडेंट्स। अब लास्ट में हमारा है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका करेंगे तो ये आएगा ए प्लस एच माइनस एक्स है, पहले को एज इट इज़ रख लेंगे, पहला रखा हमने एज इट इज़, तो ये है ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको एज इट इज़ रखा, इसका करेंगे एफ एन, क्योंकि डेरिवेटिव एक ज़्यादा होता है, एफ डैश है तो एफ डबल डैश, तो एफ एन एक्स आ जाएगा, एफ एन इंटू एक्स हो गया स्टूडेंट्स, ये एफ एन इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करें तो एन माइनस वन बाहर आएगा, इधर बचेगा एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एन माइनस वन बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू फैक्टोरियल, कम होते जाते हैं मान, ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे एन माइनस वन, क्योंकि थ्री फैक्टोरियल होता है उसको लिखते हैं हमें तीन इंटू टू इंटू वन, यार थ्री इंटू टू फैक्टोरियल लिखते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे ही इसको लिखेंगे एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, और ये लिखेंगे एन माइनस वन, तो हमारा बाहर आया, और नेगेटिव साइन है, फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव साइन बाहर, एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगी, ये बचा हमारे पास ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, और इधर बचा एफ एन माइनस वन एक्स एज इट इज़। हो गया स्टूडेंट्स ये, अब इसका करेंगे, पहला एज इट इज़ रखा, यह आया पहला ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर कितनी है एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका एक का ही होगा हमारे पास इसका। ठीक है स्टूडेंट, डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, एक ही होगा यहाँ पे डेरिवेटिव, दो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका इसी का करना है, तो ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन आया इधर, और इसको लिख लिया एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, लिख सकते हैं नीचे वाले को इंटू ए कांस्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये वाला मान हमारे पास बच गया। अब इसको देखने से पता चल रहा है कि सारे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट है,
क्योंकि इसने कहा है कि n माइनस वन तक क्या है डेरिवेटिव विद्यमान है, तो n माइनस वन तक ये वो हमारे पास, तो सारे डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट है, इसका मतलब अवकलनीय है ये। तो यहाँ पे फाइव एक्स, अब इसको समीकरण नाम दे देंगे समीकरण नंबर छः, क्योंकि फाइव एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में क्या है सतत है, सतत आर वन कंडीशन है ये, रोल्स पर में लगा रहे हैं। आर टू क्या लिखेंगे, समीकरण छः से, समीकरण छः से फाइव एक्स एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में ए और ए प्लस एच में क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड कंडीशन आर थ्री हमने मानी थी फाई ए बराबर है फाई ऑफ ए प्लस एच की, देन रोल्स पर में लागू हो गई, देन देयर एग्जिस्ट क्या स्टूडेंट्स, एक मान है वो थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से, थीटा बिलोंग्स टू जीरो और वन के बीच, इस प्रकार कि फाई डैश या सी बिलोंग्स टू फाई डैश सी फाई डैश एक्स, या एक मान बिलोंग करेगा सी बिलोंग्स टू कि फाई डैश सी बराबर जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला करेगा बिलोंग फाइव डैश सी बराबर जीरो फाइव डैश एक्स बराबर जीरो, आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास रोल्स पर में लागू हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फाइव डैश सी बराबर जीरो था, हमें लेना ए और बी के बीच का मान, तो हमें पता है कि ये क्या हमारा सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड रूप पढ़ रहे हैं, तो सी इक्वल टू हमें क्या लेना है, सी इक्वल टू ए प्लस थीटा एच लेना, क्योंकि इंटरवल ही हमारा कुछ ऐसा है, तो यहाँ से आएगा फाइव डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो, ये वाला लेना है स्टूडेंट्स हमें समीकरण नंबर सात। अब समीकरण छः को देखिए, ये हमारा फाइव डैश एक्स रोल्स पर मैं लागू कर दिया, इस पर छः को देखिए कि तिरछे पद जो है वो कट रहे हैं, ये पहली टर्म है वो तीसरी से कट रही है, कट रही है स्टूडेंट, ये दूसरी टर्म है वो आगे वाली, ये वाली टर्म है स्टूडेंट्स वो किससे कट रही है, वो इस टर्म से कट रही है, इसका मतलब सारी टर्म्स कट जाएगी, मतलब ये वाली टर्म भी अपने पीछे इस टर्म से कटेगी, एन माइनस वन वाले इस टर्म से कट रही, इस टर्म से तो नहीं कटी स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म वो है एन माइनस टू है, ये वाली टर्म नहीं कटेगी स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म एज इट इज रही, ये वाली टर्म जो अपने पीछे वाली टर्म से कट जाएगी, इसका मतलब एक तो ये टर्म बची हमारे पास और एक ये टर्म बची, दो टर्म बच गई यहाँ से हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइव डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास बचा ओनली एक तो ये वाली टर्म, ये बचा ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक ये मान बचा प्लस का ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए, ये दो मान बच गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि रोल्स पर में लगाई है वहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव है, इसका पुनः डेरिवेटिव है, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन। अब हम x इक्वल टू a प्लस थीटा एच पुट करेंगे, तो इसका मान जीरो के बराबर, तो यहाँ से फाइव डैश ए प्लस थीटा एच बराबर जीरो बराबर x की जगह a प्लस थीटा एच पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस एच ए प्लस एक्स की जगह रखेंगे नेगेटिव साइन है, तो माइनस का ए प्लस थीटा एच, तो माइनस का ए माइनस का थीटा एच, आगे स्टूडेंट्स पावर है एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन, एक्स की जगह पुट किया है ए प्लस थीटा एच, माइनस का साइन इधर है ए प्लस एच माइनस का ए माइनस का थीटा एच, नीचे है n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी n माइनस वन इंटू ए, ये वाला मान है हमारे पास, इधर a से a कैंसिल हो गया, इधर भी a से h की n माइनस वन इधर भी है, इधर h h h की n माइनस वन बाहर निकल, n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है, n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे मान क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से मान क्या क्या बाहर निकालेंगे, इक्वल टू जीरो है, एच रेस्ट टू दी पावर एन माइनस वन बाहर आ गया, एच रेस्ट टू दी पावर एन माइनस वन बाहर आया, और अंदर बचा हमारे पास इधर बचा स्टूडेंट्स हमारे पास वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन, या वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन नीचे है एन माइनस वन
फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से h बाहर निकाला है, इधर भी h है, तो 1 माइनस थीटा बार n माइनस 1 इधर, और साथ में बचा है f, अंदर बच जाएगा f n a प्लस थीटा h, f n a प्लस थीटा h या माइनस a बराबर 0। इतना मान बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास। हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये वाला मान बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रोल्स थ्योरम में क्या करना है, ए का मान ही फाइंड करके रखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एच की एन माइनस वन बाहर आया, वन माइनस थीटा कितना मान बाहर आ गया, तो ये सारा मान कांस्टेंट है, ये पूरा मान कांस्टेंट है, तो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये जीरो में चला जाएगा। जीरो में जाएगा तो हमारे पास बचेगा एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए बराबर जीरो। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एन ए प्लस थीटा एच, और ये क्या स्टूडेंट्स हमारे पास ए का मान है। ये ए का मान जो हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर एक में रखना है, तो समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा जो टेलर थ्योरम है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश, ये पूरा टेलर पर में हमारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था शेषफल वाला, लग्रांजे रूप का शेषफल वाला टेलर पर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से कवर करनी है। करना क्या है, ओनली थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, पूछ ले कि लग्रांजे रूप का शेषफल वाला टेलर पर में, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। फिर उसके साथ ही इसी रूप का फंक्शन मानना है, उसी रूप का फंक्शन हम हर बार मानते हैं, कहाँ मानना, लग्रांजे में मानना, कोशी मीन वैल्यू, तो ये वाला फलन आपको याद रखना है, और बस कुछ नहीं करना, ये कंडीशन साथ में आती है हर बार हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, फाई ये मान रखने, दोनों इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। ये समीकरण बनते ही यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, ए का मान ही पुट करना है समीकरण नंबर पाँच में, तो समीकरण पाँच में रख लेंगे स्टूडेंट्स ए का मान, समीकरण पाँच में रखना है ए का मान, पाँच में रखते ही हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए फलन फाई एक्स पर भी हमें चर्चा करनी है, फाई एक्स पर हमें रोल पर में लगानी है, तो पहले फाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में सतत है, फिर कहेंगे कि डेरिवेटिव लिख लेंगे, फिर कहेंगे कि अवकलनीय है, अवकलनीय हो जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ ए प्लस एच, तो रोल्स पर में लागू होगी, रोल्स पर में का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है कि जीरो और वन के बीच में एग्जिस्ट होगा, सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो जो ए प्लस थीटा एच होता है हमारे पास, ए प्लस थीटा एच है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए वन जीरो और वन के बीच से, सी इक्वल टू फाइव डैश सी बराबर जीरो, तो ए प्लस थीटा फाइव डैश ए प्लस थीटा एच बराबर जीरो। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर फाइव डैश एक्स में क्या करना है स्टूडेंट, फाइव डैश एक्स सारे कट जाएंगे स्टूडेंट, दो टर्म बचेगी, कौन कौन सी टर्म बचेगी, एन माइनस वन और एन माइनस वन वाले टर्म बचेगी। फिर क्या करेंगे, फाइव डैश जीरो के बराबर पुट करें तो हमारा ए का मान आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा लग्रांजे रूप का शेषफल वाला टेलर पर में स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट पर ही आधारित है हमारा फोर्थ बी का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पेपर में नहीं है स्टूडेंट, तो आप उसको छोड़ देना, उसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग भी है, तो वो आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसी पे आधारित करना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो आपकी और बुक रहती है स्टूडेंट्स वो वाली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।